खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर आपको बता दें कि राजस्थान के अन्नदाता के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मांग पर केंद्र ने बढ़ाया डीएपी और यूरिया का आवंटन कोटा। पूर्व में राज्य के लिए रबी फसलों के लिए 3,00,000 मेट्रिक टन डीएपी किया था स्वीकृत, अब इसे बढ़ाकर किया गया है 4,50,00,000 मेट्रिक टन। वहीं यूरिया को भी 13,50,000 से बढ़ाकर किया गया है 14,50,000 मेट्रिक टन। डीएपी और यूरिया का आवंटन कोटा बढ़ने से राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। जाहिर तौर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने के लिए पत्र लिखे थे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखे गए थे। कृषि आयुक्त कानाराम ने भी किए थे इसके लिए विशेष प्रयास। अब जो प्रयास किए गए थे वो सफल हो गए हैं। तो राज्य की मांग पर डीएपी और यूरिया का कोटा केंद्र की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अच्छी खबर किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए अच्छी और सुखद खबर है। जो मांग लगातार यूरिया और डीएपी की अन्नदाता करते हुए नजर आते थे वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है कुछ हद तक। तो राज्य की मांग पर केंद्र ने डीएपी और यूरिया का आवंटन कोटा बढ़ा दिया है। पूर्व में राज्य के लिए रबी फसलों के लिए 3,00,000 मेट्रिक टन डीएपी थी, अब इसे बढ़ाकर 4,50,000 मेट्रिक टन कर दिया गया है। और काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काशीराम, मांग लगातार डीएपी और यूरिया के कोटे को बढ़ाने की जा रही थी, हालांकि वो मांग कहीं ना कहीं मान ली गई है, एक सुखद खबर अन्नदाताओं के लिए। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डीएपी की किल्लत रही थी पिछले साल भी, और इससे मद्देनजर रखते हुए अब किसान अभी से ही स्टॉक करने लगे थे, जो जरूरत उनके लिए है उसका स्टॉक करने लगे थे, तो उसके मुताबिक ये जरूरी था। और राजस्थान की जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री, जो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री है मनसुख मांडविया, उनको पत्र लिखा था। और इसके साथ ही कृषि विभाग के जो आयुक्त है कानाराम, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, दिल्ली के दौरे पर भी गए थे, वहां पर उन्होंने मंत्रालय में मीटिंग भी की। और उसके बाद अभी सुखद परिणाम निकल के आया है कि जो 3,00,000 मीट्रिक टन जो डीएपी मिलना था वो 4,50,000 मीट्रिक टन मिलेगा, यानी 1.5 गुना डीएपी अधिक मिलेगा, जिससे कि अब राजस्थान में रबी जो फसलें हैं जिनमें की सरसों, गेहूं और ये जो चना आदि जो प्रमुख फसलें बोई जाती है, तो उनमें अब डीएपी की किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यूरिया का जो आवंटन है वो भी बढ़ाया गया है, अभी तक 13.5 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब उसे 1 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाया गया, यानी कि 14.5 लाख मीट्रिक टन मिल जाएगा। और खास बात यह है कि अक्टूबर माह में जब भी अब बुआई होनी है सरसों और गेहूं की, तो प्रत्येक किसान को डीएपी की जरूरत है, तो राजस्थान में अक्टूबर माह में ही 2 लाख मेट्रिक टन डीएपी मिल जाएगा, जो की एक बड़ी अच्छी खबर है। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि मंत्री की मेहनत का ही परिणाम, बिल्कुल मेहनत का परिणाम है, और एक ये बड़ी राहत के तौर पर किसानों के लिए भी देखा जाएगा इसे। जी बिल्कुल, बड़ी राहत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अब इस तरह की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी कि किसान भटक रहे हैं, उनको डीएपी नहीं मिल रहा है या उनको यूरिया मिलने में परेशानी आ रही है। और क्योंकि सबसे पहले जब फसल की बुआई होती है तो उससे पहले डीएपी खेतों में फेंका जाता है और उसके बाद यूरिया भी फेंका जाता है, तो इन दोनों का जो संतुलन है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए राजस्थान सरकार की ये मांग थी कि उनको डीएपी का जो आवंटन है वो बढ़ाया जाए, और अब उस मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है, जो कि एक अच्छी खबर। ठीक है, अब काशीराम बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।